रही है, बच्चे हेड पहन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। बाकी फैला ले लिया। हाँ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्पिरिट अली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो जी अभी जो है ना मैं जा रही हूँ मास्क को लेने के लिए और भैया भी यहाँ पे रेडी खड़ी है अम्मा के साथ। ठीक है जी। अच्छा मैंने जो है ना सुबह का व्लॉग शूट नहीं किया, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का। और सुबह मेरा यही होता है कि मेरा क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, बेटा शोर नहीं करो, और फिर जो है वो थोड़ा बहुत ऑफिस का काम होता है। ठीक है, तो बस यही सब होता है। बट लंच भी बना लेती थी मैं सुबह, आज जो है ना मैंने लंच नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि कल फिर जो पिज़्ज़ा मंगाया था ना वो पिज़्ज़ा रखा हुआ है, तो पिज़्ज़ा ही खाना था हमने दोपहर में। तो मैंने बोला था कि यार चलो रात में अगर डिनर बनाना तो अच्छा सा बनाएंगे आज कुछ, कि बिकॉज लंच में नहीं बनाया मैंने अभी, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, मास्क को लेकर आऊँगी। हाँ अगर गर्मी से आने के बाद हिम्मत हुई तो कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, वरना तो आप लोगों के साथ में जो भी बनाऊँगी आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। ठीक है जी। तो स्कार्फ की वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मुझे वो आ रहा है कि यार आप ट्यूटोरियल देते हैं इसका, तो मैं अलग अलग तरीके से पहनती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह डिफरेंट तरीके से जो है ना आप लोगों को इसके ट्यूटोरियल दे दूंगी इसे स्कॉर्फ के ना। एक मेरी सब्सक्राइबर है काफ़ी ज़्यादा, वो बोल रही है तो मैंने उनसे कहा है कि मैं आज बना दूंगी, तो इंशाल्लाह मैं आज आके वो वीडियो भी शूट करनी है, तो मैं इंशाल्लाह पहले वो कल वो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो और शाम में ये वाला वीडियो व्लॉग अपलोड कर दूंगी। बहरहाल अभी मैं जाती हूँ मास्क को लेने के लिए, उसको लेकर आती हूँ, फिर जो है पिज़्ज़ा हमने खाना है लंच में, उसके बाद जो है मेरा डिनर भी बनाना है, तो देखते हैं डिनर में क्या बनने वाला है। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा बेटा। ओके क्या हुआ? ओके भी नहीं हो रहा। ऑर्डर नहीं दिया आपने पूरा दिन? अच्छा जरा पूरा के पास आओ, पूरा के पास आओ, मामा बोतल लाई है, बोतल ला लिया। माजू आज आप कैसे बोल रहे हो वाटर बोतल अपनी मम्मा को भी आती ना? मेरे बेटे ने सुबह से वाटर पिया ही नहीं है। अल्लाह भी मम्मा ने पिलाया है। इतनी ये बच्चे हेड पहन ही नहीं रहे थे, मैंने कहा मुझे दे दो मैं पहन लेती हूँ, वो नखरे कर रहे हो मैं पहन लेती हूँ भाई। बाकी फैला ले लिया। हाँ हाँ और स्टिकर पे स्टिकर। हाँ आप बहुत हैप्पी हो जाएगा। हाँ टीचर ने दिया आपको? हाँ टीचर और टीचर यस यस लग रहे मुझे। अच्छा पॉइंट्स दिए टीचर ने? पॉइंट्स दिए? नहीं। अच्छा मैं देखती हूँ, चलो कुछ बोल रहा बेटा पानी पी लो थोड़ा सा। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा दे दो। हाँ बेटा पिज़्ज़ा है। हाँ हाँ दे दूंगी, पहले बेटा शूज रिमूव करो अपने और शूज बाहर रख के आइए। शाबाश। क्या हुआ? मैं आपको दिखाएगा मैंने ना बैग लाओ। हाँ बेटा मम्मा ऐसे देख रही है, वाओ ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल राइटिंग। हाँ ब्यूटीफुल राइटिंग। हाँ ये आपने ये नहीं सिर्फ वन लाइन में लिखा था, ये देखो देख रहा था आप कल? हाँ ये मैंने कल देख लिया था सब। मैं और लिखा था ग्रेप बुक पे, ये रहे ये देख रहा था नहीं ये। वाह आप थोड़ी राइटिंग अच्छी लग रही है, पहले आप सेंटेंस सही से नहीं लिख रहे थे ना अब माशाल्लाह। देखिए मम्मा ने कहा था वन सिंगर का गैप दिया करो, पहले ये वर्ड लिखा ना आपने, फिर वन सिंगर का गैप दो, फिर नेक्स्ट वर्ड, फिर पूरा एक वर्ड हो गया कम्प्लीट, लेकिन फिर भी आपने बेहतर लिखा है, इम्प्रूवमेंट आई है आपकी राइटिंग में। क्या क्या नेम है? टॉपिक है सूरह अल फातिहा। पहले लंच कर लेते ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे। अच्छा और कोई काम हुआ था? और कोई काम हुआ था? फिर लंच कर लो उसके बाद स्टडी करेंगे। क्या हुआ? मेरा बटन नहीं है एक और। कोई बात नहीं, ये तो घर के ड्रेसेस है ना, उल्टे सीधे बटन लगाया आपने। खोलो मैं लगाती हूँ। अच्छा अभी जो है ना ये पिज्ज़ा मैं गर्म करूँगी, बस इतना ही बचा है कल जो आया था, और ये ओवन जो है मैंने प्री हीट करने के लिए रखी है, अब ये प्री हीट होगा तो फिर मैं ये गर्म करूँगी और हम लंच में यही खाने वाले हैं आज। मैंने देखो खा भी लिया, आप लोगों का रह गया है, जल्दी चाहिए। उसके लिए तो मैंने अभी ये बनाया है पॉरेज, अभी बस वही खिलाऊंगी क्योंकि पिज़्ज़ा जो है इतना हेल्दी तो होता नहीं है, थोड़ी टाइम के लिए ऐसा होता है कि हाँ यार चलो पेट भर गया है, बट जो हेल्दी फूड है वो तो खिलाना मस्ट है ना बच्चों को, तो ये जो है ना मैंने पॉरेज बनाया है, मास को खिलाऊंगी मैं। अच्छा फ्रेंड अभी जो है ना अली आ चुके हैं और शाम की चाय जो है यहाँ पे रेडी हो रही है, और साथ में जो है अली लाए हैं ये समोसे, तो चाय के साथ अभी हम खाएंगे समोसे। और अली भी बात कर रहे हैं अपनी अम्मी से, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो अभी तो मैंने डिनर नहीं बनाया,
डिनर बनाऊंगी क्योंकि थोड़े बर्तन ज़्यादा थे आज, मैं वही धोने में लगी हुई थी और फिर मैंने थोड़ा सा आज दोपहर में रेस्ट भी अच्छे से कर लिया था क्योंकि थी सुबह काफ़ी बिजी होती ना, फिर दोपहर में काफ़ी ज़्यादा थकन महसूस हो जाती है, मास्क को लेकर आती हूँ तो मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। बहरहाल अभी जो है ना, आज तो खैर लंच बना हुआ था तो पिज़्ज़ा था जाहिर है, तो इसलिए मैंने लंच नहीं बनाया, मतलब लंच बनाते साथ साथ डिनर भी बन जाता था। अब जो है चाय पीने के बाद मैं डिनर बनाऊँगी और बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं बिरयानी। अच्छा जी, चाय हो गई है मेरी रेडी, से पहले चूल्हे में आगे के मैं पिछूला बंद कर दूँ थोड़ा हल्का करूँ क्योंकि कुछ पकाती बहुत हूँ चाय को ना, और ये समोसे भी निकाल लूँ, अभी भी वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, तो मैंने अनियन जो है वो फ्राई कर ली है, और वैसे तो मुझे पर्सनली जो है ना मटन की या बीफ की बिरयानी अच्छी लगती है, बट मटन की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पे मास ने कहा था मामा मुझे आज बिरयानी खानी, उसी की फरमाइश पे जो है मैंने बिरयानी बनानी, वरना मेरा कोई आज इरादा नहीं था ऐसे बिरयानी बनाने का, बिकॉज अली को ये होता है कि रात में राइस ना ही बनाए तो बनाओ तो अच्छा है, रोटी वो खाना सही कहते हैं कि चलो रात में रोटी बना लिया करो, दोपहर में भले चावल हो जाए, बट मास का था कि जो है मामा मुझे बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है आज डिनर में जो है बिरयानी बना लेते हैं, बिकॉज लंच में तो पिज़्ज़ा था, तो उसी की फरमाइश पर जो है ना मैंने ये बिरयानी बना ली। बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जो नए हैं चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और आज तो मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लाइक रेडीमेड मसाले से बना रही हूँ, वैसे जो है नॉर्मल मैं घर के मसालों से बनाती थी, बट ऐसा था कि अब डिनर को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और मुझे ऐसा लगा था सारी जो है थोड़ी देर में सो भी जाएंगे, बट चिकन की बिरयानी थी तो मुझे इतना पता था कि बहुत जल्दी से जो है ये बिरयानी बन जाएगी, विद इन 45 मिनट्स में जो है ना मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ना ये शान का मसाला है मैंने ऐड कर दिया है, तो बस यहाँ पे जो है ना इसको मैं अच्छे से मसाले को डाल के मिक्स करके कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। बस यहाँ पे बिरयानी भी बन रही है और यहाँ पे कोरमा भी है, बिरयानी का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और चावल जो मैंने यहाँ पकने के रख रही हूँ अभी बॉयल है, तो इसमें चावल ऐड करूँगी, लेयर जो है ना वो मैंने लगा दी है और अब बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी, तो मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना रेडी हो गई और अब बस हम करेंगे डिनर।